नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर से, जहां कोरोना संक्रमण के दौरान अब ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी पर रोक लगने वाली है। जी हां, हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल एमआरपी पर ही अब इन सारी सामानों की बिक्री होगी। ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बढ़ती मांग और इसकी कालाबाजारी को रोकने को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत एक साल में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। साथ में सरकार ने कंपनियों को अपनी एमआरपी डिटेल सरकार के साथ साझा करने को भी कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि ताजा नोटिफिकेशन 31 मार्च 2020 को जारी नोटिफिकेशन के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत मेडिकल डिवाइस के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक साल में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। सरकार ने सभी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स से कहा है कि वे इन दो मेडिकल डिवाइस के लिए एमआरपी जमा करें। उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर इसकी जानकारी शेयर करनी होगी। इसकी डेडलाइन 22 मई 2021 तक दी गई है। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल और हमारे वेब पर पोर्टल nathulal.com के साथ। नमस्कार।